गर्लफ्रेंड ने छोड़ा तो लड़के ने मेहनत किया और भारत की सबसे कठिन परीक्षा में पास होकर आईएएस बन गया। राजकुमार राव फिल्म शादी में जरूर आना का वो किस्सा हकीकत बन गया। लड़की से धोखा मिला तो लड़के ने दिल नहीं तोड़ा बल्कि संघर्ष के दम पर अब वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी कल्पना लड़के के टीचर ने भी नहीं की थी। बिहार की राजधानी पटना की एक ऐसी कहानी जिस पर अगर फिल्म बने तो शादी में जरूर आना 2 बनेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार लड़का बदला नहीं लेता बल्कि लोगों को दिखाने के लिए और एहसास दिलाने के लिए मेहनत में कितनी ताकत होती है आईएएस बनकर दिखाता है। इस कहानी में मेन किरदार आदित्य का है। अगले 2 मिनट में आप इस बात को समझेंगे कि जब लड़की धोखा देती है तो सिर्फ टूट जाना नहीं होता बल्कि उस धोखे के बदले ऐसा मुकाम हासिल करना होता है जिसको दुनिया झुककर सलाम करे। आदित्य अपनी 3 बहनों और 1 भाइयों में सबसे छोटे हैं। छोटे होने के कारण बचपन से ही उन्हें बहुत ज़्यादा दुलार मिला। बचपन में वो बहुत शैतान हुआ करते थे। उनके टीचर ने पिता से कहा था कि अगर ये लड़का पढ़ गया तो अपनी मूछ मुड़वा लेंगे। उनकी एक बहन शादी के बाद गुजरात के जामनगर में रहने चली गई। पटना में शुरुआती पढ़ाई के बाद वो वहीं चले गए। पिछली कक्षाओं में आदित्य का प्रदर्शन काफ़ी खराब था लेकिन 8वीं में आकर उन्होंने क्लास में टॉप कर लिया। 9वीं में ऐसा ही हुआ। फिर 10वीं में उनकी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई। वह इस लड़की से प्यार करने लगी। इस बीच उनके जीजा का ट्रांसफ़र हो गया। अब उनकी माँ पटना से आकर जामनगर में उनके साथ रहने लगी। हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड के चक्कर में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। इसके बाद पिता ने उन्हें वापस पटना आ जाने को कहा। 12वीं के बाद पिता की जिद के कारण आदित्य को इंजीनियरिंग में दाखिला लेना पड़ा। वैसे आदित्य इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ना चाहते थे। इंजीनियरिंग में शुरुआत से उनका स्कोर अच्छा था लेकिन अचानक बचपन की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। वह इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। हालांकि उन्होंने उस लड़की से यह जरूर कहा था कि एक दिन वो आईएएस बनेंगे। अपने सीनियर से आदित्य पांडे ने यूपीएससी के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना था लेकिन तब तक उन्हें इस परीक्षा के बारे में पूरा पूरा अंदाज़ा नहीं था। 2021 और 22 दोनों बार आदित्य को असफलता हाथ लगी। यह वक्त उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। वो नौकरी छोड़कर प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें एग्जाम क्लियर करने में इतना वक्त लग जाएगा। 2 अटेम्प्ट के बाद आदित्य को थोड़ी घबराहट हुई। उन्हें सेल्फ डाउट भी होने लगा था। इस समय तक आस पड़ोस के लोग भी बात मनाने लगे थे। वे कहने लगे थे ये कुछ नहीं करने वाला। हालांकि आदित्य ने लोगों की बात को अनसुना किया। उनका सीधा सिद्धांत था कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने लिए कोई प्लान भी नहीं रखा। दोबारा पूरी शिद्दत के साथ वे तैयारी करने में लग गए। इस बार उन्होंने सफलता का स्वाद चख लिया। उन्होंने परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 48 हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, JT न्यूज़।